नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नए साल पर जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़, बारिश से दालियों की गई जान, कई और गंभीर रूप से घायल। कहा सुनी के बाद एक दूसरे को कुचलते हुए निकल गए लोग, राहत व बचाव कार्य जारी, वैष्णो देवी यात्रा पर लगाई गई रोक। माता वैष्णो देवी हादसे पर पीएम मोदी, राहुल गांधी ने जताया शोक, अमित शाह ने उपराज्यपाल से बात कर घटना की ली जानकारी। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने मामले की जांच के दिए आदेश, मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख देने का ऐलान। वैष्णो देवी हादसे पर सोशल मीडिया में लोगों ने जताया गहरा दुख, लिखा ऐसे तो नहीं होनी चाहिए थी नए साल की शुरुआत। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं, कहा अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा साल का पहला दिन। किसानों को आज 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मान निधि की जारी करेंगे 10वीं किस्त। गतिरोध के बीच भारत ने एलएसी पर बढ़ाई सैनिकों की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर भी किया जा रहा है काम। केंद्र सरकार ने राज्यों को हर हाल में जांच दर बढ़ाने के दिए आदेश, का संक्रमण बेकाबू हो उससे पहले उठाएं कड़े कदम। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 22,775 नए मामले, कल के मुकाबले संक्रमण में लगभग 36% का हुआ इजाफा। अब तक देश के 23 राज्यों में फैला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, कुल मामले बढ़कर हुए 1431, मुंबई की स्थिति गंभीर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की देखने को मिल रही है विस्फोटक स्थिति, नए मामलों में 37% तक बढ़ोतरी की गई दर्ज। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आज से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, कोविन पोर्टल पर बुक करें स्लॉट, 3 जनवरी से लगेगा टीका। नए आईटी नियमों के अनुसार नवंबर की पारदर्शिता रिपोर्ट जारी, भारत में यूजर्स की शिकायत पर 61,000 सामग्री हटाई। नए साल में नया बदलाव कर रही है हरियाणा की खट्टर सरकार, अब पीपीपी से मिलेगा राशन, 60 वर्ष पूरा होने पर खुद लगेगी पेंशन। उत्तराखंड सरकार ने नए साल पर की तोहफों की बरसात, कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मोहर। हिमाचल प्रदेश में आज से बारिश और भारी बर्फबारी के आसार, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में बिगड़ेगा मौसम। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गलन वाली ठंड से नए साल का स्वागत, चल रही शीतलहर, बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। यूपी में 3 जोन के एडीजी समेत 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, वाराणसी जोन के ब्रजभूषण, लखनऊ जोन के होंगे नए एडीजी। नए साल पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का युवाओं को संदेश, का आतंकवाद का रास्ता छोड़ अपनी ताकत पॉजिटिव काम में लगाएं। भाजपा की दिल्ली इकाई ने केजरीवाल सरकार को दी चेतावनी, कहा नई आबकारी नीति वापस नहीं ली तो 3 जनवरी से चक्का जाम। WHO की मुख्य विज्ञानी सौम्या स्वामीनाथन ने नाइट कर्फ्यू पर उठाए सवाल, बोली कोरोना को रोकने में वैज्ञानिक रूप से नहीं है कोई आधार। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक प्रसार की जताई संभावना, एम सुब्रमण्यम बोले ओमिक्रॉन के 76 मामले मिलना इसका संकेत। झुग्गी झोपड़ी वालों को जल्द भू अधिकार देगी ओडिशा सरकार, मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम नवीन पटनायक ने अध्यादेश को दी मंजूरी। झारखंड में कोरोना के मामले बढ़ने पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताई चिंता, बोले संयम और सतर्कता से नए साल समेत अन्य त्योहारों पर मनाए जश्न। बांदा की नरेनी सीट से बसपा ने गया चरण दिनकर को बनाया उम्मीदवार, सतीश चंद्र मिश्रा ने 3 विधानसभा सीटों के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा। भर्ती की मांग को लेकर महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी, कोरोना को देखते हुए मरीजों की देखभाल में आ सकती है बाधा। झारखंड के प्रमुख मंदिरों में टीकाकरण के बाद ही मिलेगा प्रवेश, मंदिर प्रशासकों ने मास्क और 2 गज की दूरी को किया अनिवार्य। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का 121 दिन का आंदोलन समाप्त, विधायक पंकज सिंह के हस्तक्षेप के बाद दोनों ही पक्षों ने किया समझौता। झारखंड में बिजली संकट को लेकर सांसद जयंत सिन्हा ने दी चेतावनी, बोले विद्युत आपूर्ति बहाल न होने पर सीएम आवास के बाहर देंगे धरना। दिल्ली सरकार ने DTC में उमड़ती भीड़ों को लेकर किया फैसला, अब जनवरी के अंत तक चलेगी पर्यावरण बस सेवा। गुजरात एम्स राजकोट ने खंडेरी परिसर में शुरू की OPD सेवाएं, पीएम मोदी ने 1 साल पहले रखी थी एम्स की आधारशिला। 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए कालीचरण महाराज, महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का लगा है आरोप। हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार को भूपेंद्र हुड्डा ने बताया फेल, बोले पेंशन काट कर बुजुर्गों का सहारा ना छीने सरकार। दिल्ली मेट्रो ने 4थे चरण की योजनाओं के तहत पूरा किया सुरंग का कार्य, RK आश्रम मार्ग कॉरिडोर पर बनाई गई 1.4 किलोमीटर लंबी सुरंग। पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने चुनावों को लेकर किया दावा, बोले सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा पहली प्राथमिकता। अप्रैल अक्टूबर में बढ़कर $87 करोड़ हुआ देश का गेहूं निर्यात, बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका बने सबसे बड़े ग्राहक। ओडिशा सरकार ने 3% बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, सीएम नवीन पटनायक बोले 7.5 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ। पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू के बयान पर दी सफाई, बोले पंजाब पुलिस को देखकर गीली हो जाती है अपराधियों की पतलून।
हरियाणा में 7 IAS और 63 राज्य सेवा अधिकारियों का तबादला। IAS अधिकारियों में सोनीपत नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह भी शामिल। ओमिक्रॉन को लेकर 3 जनवरी से और पाबंदियां बढ़ाएगी राजस्थान सरकार। स्कूल खुलने, धार्मिक स्थल और शादियों में लोगों की भीड़ पर लगेगी रोक। चंडीगढ़ की दवा कंपनी पर 1626 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज। CBI ने पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड के 12 स्थानों पर की छापेमारी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO नियुक्त किए गए VK त्रिपाठी वर्तमान में उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में हैं कार्यरत। मनजिंदर सिंह सरसा ने DSGMC अध्यक्ष पद से वापस लिया इस्तीफा। बोले, कर्मचारियों का वेतन जारी करने के लिए पद पर लौटा वापस। नए साल में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें रहेंगी अपरिवर्तित। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने की घोषणा। गोवा में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मूर्ति लगाने पर भड़के लोग। पुर्तगाली संबंध होने पर बढ़ा विवाद, जमकर विरोध प्रदर्शन। रणदीप सुरजेवाला ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले, 15 स्थानों का नाम चीनी भाषा में करने को लेकर चुप क्यों है सरकार। अब दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर नहीं जाएंगे चोटिल रोहित शर्मा। KL राहुल को बनाया गया टीम इंडिया का वनडे कप्तान। भारतीय टीम ने 8वीं बार जीता अंडर-19 एशिया कप का खिताब। फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से दी करारी मात। बारिश बाधित मुकाबले में भारत को मिला 102 रनों का लक्ष्य, जिसे टीम ने आसानी से 1 विकेट खोकर किया हासिल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।